हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका, जिसे आप गोधली चंद्रिका भी कह सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम हो गया राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, और इनके लेखक का नाम हो गया गुरु नानक, जो कि काव्यखंड से लिया गया है। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सारा चैप्टर बाय चैप्टर कवर किया गया है और प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहीं से आप उपयोग यानी कि इस्तेमाल करिए। इसमें बहुत सारा प्रंस है, जैसे कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उससे हम आपको बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गद्य खंड एवं काव्य खंड है, तो इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, जैसे कि आप लोग भी पहले से ही जानते ही होंगे। तो इसे आप याद कर लीजिए, और चैप्टर का नाम है और लेखक का नाम है, क्योंकि टोटल चैप्टर गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है, तो इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है बाबू। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर है, यह स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारे फ्रेंड्स है, और कमेंट में भी बहुत सारे फ्रेंड्स आ गया है कि सर इसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर इस्तेमाल करने कैसे करें, या फिर इसका फ़ायदा या नुकसान। क्योंकि देखो इसमें क्या होता ना, हम आपको बताते हैं, हम आपको किसी दिन आपके लिए 2 से 3 घंटा समय निकालेंगे, और आपके लिए हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको चंद्रिका के बारे में सारा डिटेल्स बता देंगे, ठीक है बाबू। लेकिन यहाँ पर हम आपसे 2 से 3 मिनट हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बुक कवर कर लेंगे 2 से 3 मिनट में, क्योंकि हालांकि बहुत सारे कमेंट भी आने लगा था कि सर आप कवर कीजिए, जैसे कि बुक कवर किए हुए हैं, ठीक इसी तरह से चंद्रिका भी अगर इस्तेमाल करना चाहिए तो चंद्रिका भी बुक की तरह कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दीजिए। तो हमें लगा कि चलो जब लड़के लोग डिमांड कर रहा है तो हमें कुछ इसके बारे में कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्रश्न उठ जाता है कि चंद्रिका इस्तेमाल हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जरूर करना चाहिए, ठीक है बाबू। देखो तुम लोग सोच रहे होगे कि चंद्रिका इस्तेमाल करने से, या फिर कमज़ोर छात्री चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये भी कभी कभी सोचते होगे कि चंद्रिका इस्तेमाल करने से कमज़ोर छात्र बन जाते हैं, यानी कि बहुत सारे मन में प्रश्न उठने लगता है। तो हम आपको बता देते कि देखो बाबू, चंद्रिका इस्तेमाल करने से नहीं कमज़ोर छात्र बनता है, न कोई चंद्रिका इस्तेमाल करता है वह नहीं कोई कमजोर छात्र नहीं होता है वो, ठीक है। हालांकि आज से अगर तुम 50 से 60 साल अगर पीछे चले जाओ तो यहीं से यह माने कि 50-60 साल से ही वह यह बात प्रचलित है कि चंद्रिका इस्तेमाल करने वाला स्टूडेंट यानी कि पढ़ने में तेज नहीं होता है, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने वाला स्टूडेंट पढ़ने में भुस्कोल होता है, उसे कुछ नहीं आता, वही लोग चंद्रिका इस्तेमाल करता है। तो हम आपको बता दें कि बाबू यह गलत फहमी से आप बाहर निकल जाओ, ठीक है। चंद्रिका को आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, हालाँकि हम आपको बता रहे हैं कि हम आपके लिए ज़रूर 2 से 3 घंटा किसी दिन समय निकाल कर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, और इसमें बिल्कुल नहीं शर्माना है, नहीं घबराना है कि चंद्रिका हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोई नुकसान या फायदा हो सकता है, ठीक है। नुकसान हो ही नहीं सकता, ठीक है बाबू। अगर हम आपको एग्जांपल में बताएं चंद्रिका का मतलब क्या होता है, चंद्रिका हम उसे कहते हैं, यानी कि अगर हम आसान भाषा में, चलो हम तुमको बता देते हैं, यानी कि तुम किसी से भी प्रश्न पूछते हो और वह प्रश्न का उत्तर सही सही कोई भी व्यक्ति दे देता है, तो वह एक तरह से चंद्रिका हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड चंद्रिका, यही चंद्रिका होता है, ठीक है बाबू। इसका मतलब देखो, चंद्रिका का गलत माने नहीं निकालो, से चंद्रिका इस्तेमाल करने से बहुत जो पढ़ने में तेज नहीं होता है वही छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करता, वाट एवर, बहुत सारे मन में प्रश्न है। तो आई होप आप लोग, चलो बाबू ठीक है, तो हम आपसे वादा करते हैं आपके आपसे हम किसी दिन जरूर 2 से 3 घंटा समय निकाल कर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको जरूर बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप लोग अभी तक समझ पाए होंगे, तो चंद्रिका आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, इसमें डरने उड़ने की कोई बात है ही नहीं, ठीक है बाबू। हम आपको पूरा डिटेल्स किसी दिन बताएंगे, तो आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहीं से आप सारा चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे अभी तक हम जितना समझाने की कोशिश किए हैं। तो हम आपके लिए किसी दिन समय निकालते हैं और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको पूरा डिटेल्स बाय डिटेल्स बताएंगे, ठीक है बाबू। तो अभी जब तक के लिए हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।